नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। खबर दौसा के मंदावर से, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि जेजेपी प्रत्याशी आशुतोष झालानी पर अज्ञात लोगों ने मारपीट कर बोलेरो कार में आग लगा दी और आशुतोष झालानी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बता दें कि यह घटना मंडावर थाना क्षेत्र के ऐदलपुर गांव के पास की बताई जा रही है। इस हादसे के बाद सभी लोग हैरान हैं। फिलहाल आशुतोष झालानी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि जेजेपी प्रत्याशी आशुतोष झालानी महुआ विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल फिलहाल आशुतोष झालानी का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। 10-5 जगह से उल्ट और मैंने सिक्योरिटी के लिए डिमांड करी थी कि यार मेरे को देखो खतरा है मेरी जान का। सुनो, पूरा भेज रखा है लाइन से, एस पी ने ऑर्डर कर दिया। शाम को लेट मैसेज आया था हमारे पास में कि उनका गनमैन इशू कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।